सुप्रभात, मैं अनुश्री चौधरी कक्षा 8वीं ई से आप सबको हिंदी दिवस के महत्व पर कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जब भी हम हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि हम सिर्फ भारत में ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकतर क्षेत्रों में सिर्फ हिंदी भाषा ही बोली जाती है और इसी कारण से हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने का भी निर्णय लिया गया था। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की भी शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्वों को दिया जाएगा जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए अपना विशेष योगदान दिया है। हिंदी भाषा को कुछ और दिन याद रख सके, इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। सिर्फ हिंदी दिवस पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक दिन हमें ऐसा कहना चाहिए कि हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम वार्तालाप करते समय हिंदी भाषा जैसी मनमोहक भाषा का प्रयोग करते हैं।